जायका रेसिपीज़ किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू और हरे प्याज की सब्ज़ी, वो भी एकदम सिंपल तरीके से। अगर आप इस तरीके से आलू हरे प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे तो ये इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि आप एक रोटी की जगह दो रोटी खा लेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सिर्फ 30 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं आलू हरे प्याज की स्वादिष्ट सब्ज़ी। आलू हरी प्याज की सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है चलिए आपको दिखाते हैं। हरी प्याज 500 ग्राम, इन्हें मैंने अच्छे से साफ करके धोकर बारीक बारीक काट लिया है। आलू 2 मीडियम साइज़ के इस तरह से टुकड़ों में काट लें। टमाटर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए। प्याज ये मैंने इन्हीं के सफ़ेद प्याज को अलग काट लिया है। ज़ीरा 1/2 टीस्पून, हींग 1 चुटकी, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 कप, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून या स्वाद अनुसार। लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर इन्हें घोल लेंगे। इस तरह से मसालों को पानी में घोलने से ये अच्छे से फूल जाते हैं और भूनते समय जलते नहीं। अब मसाले को एक तरफ रख दें। एक भगोने में 3 से 4 टेबल स्पून तेल डालकर गर्म कर लें। तेल गर्म होने पर इसमें ज़ीरा और हींग डाल दें और चलाते हुए कुछ सेकंड भूनें। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को 1 मिनट तक चलाते हुए हल्का सा फ्राई कर लें। मुझे प्याज को फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब हमारी प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें ये मसाला डाल देंगे। मसाला डालकर चलाते हुए 1 से 2 मिनट भून लें। मुझे मसाले को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर डालकर हुए और 1 मिनट चलाते हुए भून लें। मुझे टमाटर को मसाले में डालकर भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे और आलू को मसाले में चलाते हुए और 2 मिनट भून लेंगे। अगर आप इस तरह से हरे प्याज और आलू की सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीन मानिए खाने वाले अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। मुझे आलू को मसाले के साथ फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें हरी प्याज डालेंगे। और साथ ही हरा धनिया भी डाल दें। चलाते हुए सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स कर लें। मैंने सब्ज़ी को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप जब भी हरी प्याज और आलू की सब्ज़ी बनाएं तो इसमें हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा डालें क्योंकि हरा धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। गैस की आंच को एकदम स्लो कर दें और इसे ढककर हम हल्की आंच पर पकाएंगे। इस सब्ज़ी में पानी नहीं डलता। गैस की आंच को एकदम स्लो कर दें। अब हम इसे ढककर 15 मिनट के लिए पकाएंगे। हरे प्याज पानी छोड़ती है इसलिए इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं डलता। हल्की आंच पर इसे 15 मिनट तक पका लें और बीच में 1 से 2 बार चला लें। हल्की आंच पर मुझे सब्ज़ी को पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं। मैंने इसे बीच में 1 से 2 बार चला दिया था। ये देखिए हमारी प्याज ने हल्का हल्का पानी छोड़ दिया है। इसी में हमारी सब्ज़ी बन जाती है। आलू को चेक कर लें। अभी हमारे आलू में थोड़ी कसर है। अभी मैं इसे 10 मिनट के लिए और ढककर हल्की आंच पर पका लूँगी ताकि हमारे आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। हमारी सब्ज़ी को पकते हुए और 10 मिनट हो गए हैं। हमारी आलू प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आलू भी अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए तोड़ने पर आलू आराम से टूट रहा है। तेज़ आंच पर सब्ज़ी को चलाते हुए 2 मिनट भून लें। मीडियम आंच पर मुझे सब्ज़ी को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और अब हमारी सब्ज़ी खाने के लिए एकदम तैयार है। इस सब्ज़ी को बनाने में मुझे टोटल 30 मिनट का समय लगा है। गैस को बंद कर दें और सब्ज़ी को 2 मिनट के लिए ढक दें। 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम रेडी है।
इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम सब्जी को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट व टेस्टी हमारी आलू प्याज की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठे या नान के साथ गर्मागर्म सर्व करें। सभी के साथ ये खाने में बहुत अच्छी लगती है।